नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 30 नवंबर। आज भी हम इस वीडियो के दौरान गिव अवे 5 का सवाल पूछेंगे, तो गिव अवे को पाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुने और देखें। तो चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों पे। राजेंद्र सेतु पर गाड़ियों का परिचालन हुआ बंद। उत्तरी और दक्षिणी बिहार को जोड़ने वाला राजेंद्र सेतु पुल पर जल्द ही गाड़ियों के परिचालन बंद हो जाएंगे। पुल की दिन प्रतिदिन बदतर स्थिति को देखते हुए अगले 4-5 दिनों में पुल पर पूरी तरीके से गाड़ियों के परिचालन को बंद कर दिया जाएगा। NHAI की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुल की स्थिति पहले जैसी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर जल्द से जल्द पुल पर परिचालन बंद नहीं किया गया तो कभी भी इस पुल का कोई भी हिस्सा टूटकर नीचे गिर सकता है। पश्चिम चंपारण में जल्द ही नीतीश कुमार करेंगे जल जीवन हरियाली यात्रा की शुरुआत। जल्द ही जल जीवन हरियाली अभियान समूचे बिहार में जोरों शोरों से शुरू करने के लिए सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है, जिसके तहत 3 दिसंबर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल जीवन यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण के चंपारण गनौली गांव से करेंगे। आपको बता दें, पहले चरण में जल जीवन हरियाली सम्मेलन पश्चिमी चंपारण सिवान गोपालगंज के 3 जगहों पर किया जाएगा। इन सभी जगह पर मुख्यमंत्री व्यक्तिगत तौर पर तालाब और नदियों का निरीक्षण करेंगे। पटना मेट्रो में जल्द होगी बहाली। मेट्रो में नौकरी की चाह रखने वालों के लिए खुशखबरी। पटना मेट्रो में जल्द ही 30 पदों पर बहाली होगी। DMRC ने पटना मेट्रो के निर्माण के लिए सरकार ने कुल 191 पदों पर रिक्तियां निकाली थी, जिनमें से 30 पदों पर बहाली का प्रस्ताव किया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही जल्द ही इन 30 पदों पर बहाली होगी। आपको बता दें, इन 30 पदों पर बहाली होनी है। इसमें प्रबंध निदेशक, DGM समेत कई महत्वपूर्ण पोस्ट है। KBC के सीजन में बिहारियों का दिखा बोलबाला। कौन बनेगा करोड़पति ने अपने आखिरी एपिसोड को 29 नवंबर को प्रसारित किया था। इस सीजन में भी करोड़पति की रेस में कई लोग रहे, लेकिन बिहारियों का बोलबाला भी खूब दिखा, क्योंकि इस सीजन के 4 विजेताओं में से 3 विजेता बिहार की धरती के ही है, जिनमें सनोज राज, गौतम झा और अजीत कुमार का नाम शामिल है। हालांकि इस सीजन में कोई भी 7 करोड़ की राशि अपने नाम नहीं कर पाया। समूचे बिहार को इन तीनों की जीत पर गर्व है। जूनियर जूडो चैंपियनशिप में पटना बक्सर को मिली जीत। जूनियर जूडो चैंपियनशिप में पटना बक्सर और समस्तीपुर को जीत हासिल हुई है। बालक वर्ग में पटना और बक्सर ने एक साथ खिताब अपने नाम किया, जबकि लखीसराय उपविजेता पद पाने में सफल रहा है। वहीं बालिका वर्ग की अगर बात करें तो बक्सर और समस्तीपुर ने खिताब पर अपना नाम दर्ज किया है। बालिका वर्ग में पटना को उपविजेता पद हासिल हुआ है। हरे घास के लिए अब जमीन की जरूरत नहीं। पशुओं को खिलाए जाने वाले चारे के लिए की जाने वाली खेती के लिए अब खेतों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब खेती के लिए खेत के बजाय बगैर मिट्टी वाले ट्रे में पशुओं के लिए चारे का उत्पादन किया जाएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने पहली बार इस तरह का कोई शोध किया है, जिसमें बगैर मिट्टी के जल संवर्धन विधि द्वारा पशुओं के लिए चारे का प्रबंध किया जा सकता है। अब AES प्रभावित प्रखंडों के 5,976 परिवारों को मिलेगा राशन कार्ड। सरकार के आदेशानुसार प्रभावित जिले के 5 प्रखंडों में परिवार को राशन कार्ड मुहैया करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष को इन परिवारों की एक सूची को तैयार करने का और इन्हें राशन कार्ड जल्द से जल्द मुहैया करवाने का निर्देश दिया है, जिसके लिए अभी तक 16,119 आवेदन राशन कार्ड के लिए सरकार को मिले हैं। Under-17 राज्य क्रिकेट टीम की हुई घोषणा। सैंडिस कंपाउंड में आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालय क्रिकेट बालक वर्ग Under-17 प्रतियोगिता में उनके प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का चयन बिहार टीम के लिए किया गया है। इस बाबत जिला खेल अधिकारी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि चुने गए खिलाड़ियों को राज्य प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षित किया जाएगा, जहां चयनकर्ता की भूमिका में भागलपुर क्रिकेट संघ के सचिव डॉ. आनंद मिश्रा चक्रवर्ती मोहनीश कुमार नजर आएंगे। KBC के विजेता रह चुके सुशील ने कैंडिडेट्स को दिया 500 पौधे। मुजफ्फरपुर में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम मुजफ्फरपुर के LS कॉलेज परिसर में राष्ट्रीय NCC कैंप सेशन में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के आखिरी दिन कौन बनेगा करोड़पति के विजेता रह चुके सुशील कुमार ने विभिन्न क्षेत्रों से आए 500 NCC कैंडिडेट्स को पीपल के पौधे भेंट किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पीपल के पौधे से भरपूर ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, इसलिए इन सभी कैंडिडेट्स को मैं पीपल का पेड़ भेंट कर रहा हूं। सस्ते प्याज के लिए बिस्कोमान पर लग रहा है लोगों का मजमा। 80 से 90 रुपए किलो मिल रहे प्याज से लोगों को निजात दिलवाने के लिए बिस्कोमान ने नई पहल की थी, जिसके तहत बिस्कोमान लोगों को आधे दाम में प्याज मुहैया करवा रहा था, मगर प्याज खरीदने वालों की भीड़ को देखते हुए बिस्कोमान को सस्ते प्याज बेचने का निर्णय महंगा पड़ रहा है। लंबी लंबी कतारों में लोग समय से पहले खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं बढ़ती भीड़ के कारण लोगों में कहासुनी भी हो जाती है। इसके अलावा भीड़ के कारण ट्रैफिक की समस्या भी काफी ज्यादा हो रही है। इसी भीड़ को देखते हुए बिस्कोमान ने अब मोहल्लों में प्याज का स्टॉल लगाने का निर्णय लिया है। झारखंड चुनाव में 13 विधानसभा सीटों पर आज होगी वोटिंग। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान आज होने हैं। वहीं गुरुवार को ही इस चुनाव के लिए प्रचार प्रसार थम गया था। आपको बता दें, पहले चरण पर होने वाले झारखंड चुनाव में वोटिंग कुल 13 सीटों पर की जाएगी।
मिथिला लोक उत्सव के उद्घाटन की तैयारियां हुई शुरू। बिहार के दरभंगा जिले में दो दिवसीय मिथिला लोक उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी है, जिसके तहत दरभंगा लहरिया सराय स्थित नेहरू स्टेडियम में बनाए जा रहे पंडाल के निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। आपको बता दें, इस दो दिवसीय मिथिला लोक उत्सव के लिए करीब 20,000 वर्ग क्षेत्र में भव्य पंडाल का आयोजन किया जा रहा है। दिन रात करके मजदूर पंडाल के निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं। वहीं स्टेडियम के दूसरी ओर सरकारी विभाग का स्टॉल बनाया जाएगा, जहां पर सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा स्टेडियम में बने स्टेज पर मिथिला दलान का आयोजन भी किया जाएगा। आपको बता दें, दो दिवसीय यह मिथिला लोक उत्सव 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेगा। नालंदा जिले के पावापुरी में आप देख सकते हैं बहुत कुछ खास। नालंदा जिला के राजगीर के पास ही पावापुरी है, जिसे जैन धर्म का पवित्र स्थल माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान महावीर को यहीं मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। पावापुरी जैन धर्म के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें पहला मंदिर है जल मंदिर पावापुरी। जल मंदिर 85 बीघे के तालाब के बीचों बीच कमल सरोवर पर बना हुआ है। जल मंदिर में मुख्य पूजनीय वस्तु भगवान महावीर की चरण पादुका है। जल मंदिर तक पहुंचने के लिए 600 फीट लंबा पुल बना हुआ है, जिसे पार करना होता है। भगवान महावीर का जिस स्थान पर पारी निर्वाण हुआ था, वहां पर श्वेतांबर जैन मंदिर है। समोसरण मंदिर वह मंदिर है जहां भगवान महावीर स्वामी उपदेश किया करते थे। उन्होंने इसी स्थान पर प्रथम और अंतिम उपदेश दिया था। बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण के रास्ते है साफ। हाल ही में कुछ दिनों पहले बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ऐसी खबरें आ रही थी कि सरकार से जितनी जमीन की मांग एयरपोर्ट के निर्माण के लिए मांगी गई थी, उतनी जमीन नहीं मिलने के कारण एयरपोर्ट के काम में देरी हो रही है। मगर बिहार सरकार ने मीडिया के सभी अटकलों पर अपना पक्ष रखते हुए यह साफ कर दिया है कि राज्य सरकार अपने स्तर पर सारी जिम्मेदारियां निभा चुका है। अब सरकार की तरफ से कोई भी काम लंबित नहीं है, जिसके पश्चात एयरपोर्ट का निर्माण कार्य लक्ष्य के अनुसार शुरू हो चुका है। अब आइए हम जानते हैं बिहार के जाने माने हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे पत्रकारिता के दुनिया के एक और शख्सियत के बारे में, जिनका नाम है रवीश कुमार। रवीश कुमार को कौन नहीं जानता। रवीश कुमार का जन्म बिहार के मोतिहारी जिले में 5 दिसंबर 1974 को हुआ था। रवीश ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पटना के लोयला हाई स्कूल से की थी। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से उन्होंने पीजी की पढ़ाई पूरी की थी। रवीश को उनकी शानदार पत्रकारिता के लिए 2 बार रामनाथ गोयन का एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड से नवाजा गया था। वहीं साल 2019 में रवीश कुमार को रेमन मैग्सेस पुरस्कार से नवाजा गया था। ज्ञात हो, यह पुरस्कार पाने वाले रवीश कुमार 5वें पत्रकार हैं। बिहार में नर्स पद के लिए निकाली गई रिक्तियां। बिहार में नर्स समेत 121 पदों पर रीजनल प्रोग्राम मैनेजर, रीजनल नर्सिंग कंसल्टेंट, बायोमेडिकल इंजीनियर और नर्स समेत कई पदों के लिए रिक्तियां निकाली गई हैं। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बीई, बीटेक, बैचलर, मास्टर्स, एमबीए डिग्री होना अनिवार्य होगा। वहीं आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार अधिकतम 37 वर्षों के साथ ही योग्य माना जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 6 दिसंबर तक www.statehealthsocietybihar.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने भाजपा सरकार पर कसा तंज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक भी मौका नहीं गवाते सत्तासीन पार्टी पर तंज कसने का। ऐसा ही कुछ एक बार फिर उन्होंने किया है। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा के दिन अब पूरे हो गए हैं, अब बोरिया बिस्तर पैक कर ले। भाजपा की रणनीति अब जनता को भी समझ आने लगी है। पानीपत में अंडर 19 नेशनल स्पोर्ट्स में बिहार की फुटबॉल टीम बनी चैंपियन। पानीपत के थर्मल कॉलोनी स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में अंडर 19 नेशनल स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया था। आयोजित किए गए इस नेशनल टूर्नामेंट में बिहार की फुटबॉल टीम ने जीत हासिल की। वहीं बिहार की जानवी सिंह ने वुशू में और सलोनी ने ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसके अलावा बिहार की अभिलाषा को सिल्वर मेडल से ही संतुष्ट करना पड़ा। आपको बता दें, फुटबॉल मैच में बिहार ने उत्तर प्रदेश को 2-0 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम दर्ज की है। एनएसएसओ के रिपोर्ट पर उठने लगे हैं सवाल। एनएसएसओ ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके तहत बिहार सरकार ने ग्रामीण इलाकों में मार्च 2020 तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य पर सवाल खड़े करता है। एनएसएसओ रिपोर्ट की माने तो बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए लक्ष्य को पूरा करना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रामीण बिहार की आबादी 30 लाख है और अभी तक इनमें से 1.1% घरों को ही नल से जल पानी पहुंच पा रहा है। ऐसे में सरकार का अगले साल तक हर घर में नल से जल पहुंचाने की कवायद अभी नामुमकिन सी प्रतीत हो रही है। सूबे की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करे लोजपा। उक्त बातें रामविलास पासवान ने आगामी विधानसभा चुनाव के पहले की है। उनके इस बयान से यह साफ पता चल रहा है कि झारखंड की तरह ही शायद बिहार में भी लोजपा भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में रामविलास पासवान के इन बयानों से काफी कयास भी लगाए जाने लगे हैं। आपको बता दें, रामविलास पासवान ने यह बातें लोजपा के स्थापना दिवस पर कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिले नोबेल पुरस्कार। उक्त मांगे जदयू के ही एक एमएलसी ने की है। दरअसल बिहार विधान परिषद में जलवायु परिवर्तन पर हो रही बहस के दौरान जदयू के एमएलसी खालिद अनवर ने कहा है कि नीतीश कुमार द्वारा जलवायु परिवर्तन पर किए गए कामों की सराहना करते हुए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए और यह मांग मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं यह मांग उन 12 करोड़ लोगों के नेता के लिए कर रहा हूं।
कोहली ने माना कि असफल होने पर वो भी होते हैं निराश। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली भी आम इंसान की तरह असफलता मिलने पर निराश होते हैं, ये बातें खुद कोहली ने एक इंटरव्यू में बताई है। उन्होंने कहा है कि सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार ने उन्हें भी काफी निराश किया था। विराट ने कहा है कि मुझे खुद पे यकीन था कि मैं टीम को जिताकर नाबाद लौटूंगा, पर मैं ऐसा नहीं कर सका, जिससे मैं बहुत ज्यादा आहत था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें, सोने का भाव 29 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,164 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,747 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 46,150 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 80.65 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 71.27 रुपए प्रति लीटर था। अब आइए बढ़ते मौसम की खबरों की ओर। इस गुलाबी ठंड के मौसम में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ ही ठंड दिन और रात के समय में महसूस होगी। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में भी सुबह के वक्त हल्की धुंध देखने को मिलेगी, मगर मौसम पूरे दिन सामान्य रहेगा। वहीं रात होते होते ठंड का असर भी दिखने लगेगा। भारतीय एग्जिम बैंक ने जारी किया शोध अध्ययन। भारतीय एग्जिम बैंक ने बिहार से आयात और निर्यात हो रही वस्तुओं का शोध अध्ययन किया है, जिसके अनुसार बिहार से हो रहे वस्तु निर्यातों में हाल के ही वर्षों में काफी सुधार आया है, जिसके तहत साल 2017-18 में बिहार से वस्तु निर्यात 1.35 अरब यूएस डॉलर रहा, जो कि साल 2012-13 के दौरान 0.40 अरब यूएस डॉलर का था, मगर अभी भी बिहार से लगभग 900 मिलियन डॉलर के निर्यात की संभावना लगाई जा रही है। गिव अवे 3 के लिए पूछे गए सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट करके बताया, मगर हमारे द्वारा 6000 लाइक्स के क्राइटेरिया को पूरा करने में असमर्थ रहे हैं, जिसकी वजह से हम गिव अवे 3 के विजेता के नाम की घोषणा नहीं कर पाएंगे। निराश होने की जरूरत नहीं है, आप हमारे 29 नवंबर और 30 नवंबर के वीडियो से भी 16 GB पेन ड्राइव पा सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं गिव अवे 5 के सवाल पर। तो गिव अवे 5 का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके हिसाब से समूचे बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जो घूमने के लिए सबसे उपयुक्त है और क्यों? आप सभी हमारे इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस सवाल के जवाब से 16 GB पेन ड्राइव जीतने से पहले हम बात करेंगे गिव अवे 5 के क्राइटेरिया के बारे में। तो आप गिव अवे 5 के हकदार तभी हो सकते हैं जब आप हमारी वीडियो को 5500 लाइक्स तक पहुंचाएंगे। ध्यान रहे, लाइक्स के साथ साथ कमेंट करना भी जरूरी है, क्योंकि कमेंट के आधार पर ही हम गिव अवे 5 के विनर की घोषणा कर पाएंगे। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए और आज के वीडियो को 5500 लाइक्स तक पहुंचाएं और 16 GB पेन ड्राइव के हकदार बन जाएं। धन्यवाद।